अपनी फिल्म को प्रमोट करने के चक्कर में दीपिका पादुकोण जेल में पहुंच गई और अपनी फजीहत करवा ली, लेकिन दीपिका के पक्ष में कांग्रेस सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दीपिका की फिल्म छपाक को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। कांग्रेस की रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी छपाक को टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में फिल्म छपाक को टैक्स फ्री करने की जानकारी दी। तमाम विवादों के बीच दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि जेएनयू कैंपस में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचने के बाद दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया के साथ भाजपा के भी निशाने पर आ गई हैं। ऐसे में इस मामले पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस दीपिका के फेवर में खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत दीपिका की छपाक को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।